अगर आपको सरकार चलाने में भागीदारी होती, आपके लोग यहाँ बेरोजगार नहीं दिखाई देते। तो ओबीसी से, दलित से, आदिवासी से पैसा निकला, 30,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है। तो बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है, आप में नफरत फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। एक सरकार जो किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की रक्षा करती है, और दूसरी सरकार जो अरबपतियों की रक्षा करती है। एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। यहाँ पे कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है जिसको बैंक ने बैंक लोन दिया? नहीं मिल सकता। अगर आपका नाम अदानी होता, लाखों करोड़ रुपए आपके हवाले हो जाते। मैंने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने, और अच्छा एक और बात, जब मैं युवाओं से मिलता था, बेरोजगार युवाओं से मिलता था, तो मैं उनसे सवाल पूछता था, भाई आपकी जात क्या है? पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा या नहीं, 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। सुना होगा आपने। एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं लाखों युवाओं से मिला, और जब मैं उनसे पूछता था भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जात क्या है, वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं। तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल के कितने, और इन लोगों को, इन वर्गों को हिंदुस्तान को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? सरल सा सवाल है। अगर इस देश में 50% ओबीसी है, तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। सही या गलत? 50% भागीदारी होनी चाहिए। अगर आदिवासी 14-15-16% है, तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और फिर मैंने थोड़ा पता लगाने की कोशिश की, यहां जो ओबीसी वर्ग के युवा हैं, आप सब ने एक दिन सपना देखा होगा, दलित आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने सपना देखा होगा कि भाई मैं एक दिन आईएएस के लिए काम करना चाहता हूं। सपना देखा? देखा ना, ये देखो हाथ उठा रहे हैं। हर युवा कहता है मैं आईएएस के लिए काम करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार को आईएएस अफसर चलाते हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी, एमएलए सरकार को चलाते हैं, गलतफहमी में हो। मैंने सरकारों को अंदर से देखा है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मिलकर 90 अफसरों के साथ इस देश को चलाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान का जो बजट है, जो धन है, उसको ये 90 अफसर बांटते हैं। बजट में सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर।
बजट में वायुसेना को, सेना को, नेवी को कितना मिलेगा? 90 अफसर। आदिवासियों को शिक्षा के लिए कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। ओबीसी युवाओं को कितने लोन मिलेंगे, कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। सारा का सारा का सारा बजट जो बढ़ता है, ये 90 अफसर इसको बांटते हैं। तो मैंने सवाल अपने आप से पूछा कि भैया इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार है। भाइयों और बहनों, आप मुझे बता दो, 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, ओबीसी कितने हैं? कोई नहीं बता पा रहा। चलो उससे पहले, हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी? देखो किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी, किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं, उसमें ओबीसी कितने, किसी को नहीं मालूम। अच्छा भैया ये बता दो, हमारा जो बजट है लाखों करोड़ रुपए का, उसमें ओबीसी अफसर कितना निर्णय लेते हैं? कोई नहीं बता पा रहा। सन्नाटा है। मैं बताता हूं, 90 अफसर में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, और अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हो तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर 90 में से 3 अफसर निर्णय ले रहे हैं और ओबीसी वर्ग सिर्फ बजट के 5% पर निर्णय ले रहा है, तो आप मुझे समझा दो कि ओबीसी वर्ग के शिक्षा के पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे? आप मुझे समझा दो ओबीसी वर्ग का कि प्रगति कैसे होगी। जो देश को चला रहे हैं उसमें आपका एक आदमी नहीं है। अच्छा, ओबीसी की बात की, आदिवासियों की बात करता हूं। अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए ओबीसी वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, आदिवासी वर्ग के अफसर सिर्फ 0.1% डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हुआ तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। अब जैसे ही मुझे यह बात समझ आई, मैंने इलाज निकाला। मैंने कहा देखिए, सबसे पहला कदम यह है कि इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये हमें पहले पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने का तरीका जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा कि भैया इस देश में ओबीसी इतने, दलित इतने, आदिवासी इतने, और फिर सब वर्ग को सरकार चलाने में भागीदारी मिल सकेगी। ओबीसी युवा आज भटकता है, सड़क पर बेरोजगार मिलता है। इसका कारण है, इसका कारण कि सरकार को चलाने में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। अगर आपको सरकार चलाने में भागीदारी होती, आपके लोग यहां बेरोजगार नहीं दिखाई देते। अब बीजेपी दूसरी तरीके की सरकार चलाती है,
किसानों से पैसा छीनते हैं। यहां पे किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिल सकता। मैं बताता हूं किसको मिला। भाइयों और बहनों अच्छी तरह सुनिए, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया किसका पैसा? ओबीसी वर्ग का पैसा, दलित का पैसा, आदिवासी का पैसा, जीएसटी का पैसा, जो जब आप पेट्रोल खरीदते हो, आलू के चिप्स खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, किसान औजार खरीदते हैं, जो आपके जेब से पैसा निकलता है, जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया। ठीक है, 30,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है। बात समझो, आपका पैसा, जीएसटी का पैसा, ये जो युवा ओबीसी युवा खड़े हैं, आपका पैसा आपके जेब में से निकला। आपको कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएंगे आपके लिए, क्या होगा? तूफान आएगा, खेत का नुकसान होगा, आपको बीमा मिलेगा। आपने अपने पैसे भी डाल दिए उसमें। एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ आपने डाल दिया तकरीबन 3,000-4,000 करोड़ रुपया आपका गया। कहां गया? 16 कंपनी में। मैंने पता लगाया 16 कंपनी की मैनेजमेंट में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या? आपके जेब में से पैसा गया, और जब आपको जरूरत पड़ी, जब ओबीसी किसान का नुकसान हुआ, उन्होंने आपको कहा भैया ईमेल कर देना, टेलीफोन मार देना। और जब आप ईमेल करते हो, वहां पर जवाब आता है भैया यहां पे तो ईमेल ही नहीं है, टेलीफोन करते हो, कहते भैया टेलीफोन हम नहीं जानते तुम्हारा, तुम्हारे खेत को तो नुकसान ही नहीं हुआ। तो ओबीसी से, दलित से, आदिवासी से पैसा निकला, 16 कंपनी वालों को पहुंच गया। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कहते नरेंद्र मोदी कहते हैं सारा प्राइवेट कर दो, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे सबके सब प्राइवेटाइज कर दिए। तो ये हुआ क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, उनको परे कर दिया, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया, और 2-3-4 लोगों को पूरा का पूरा माल बेच दिया, देश की पूंजी बेच दी। ये अदानी बना कैसे? आपने कभी सोचा? ये अदानी एयरपोर्ट खरीद लेता है, पोर्ट्स खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूं, आपके जेब में से पैसा निकलता है कैसे? जीएसटी के माध्यम से। आप टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं लग रहा, आपने कुछ खरीदा, एकदम उसमें टैक्स गया। जीएसटी को ओबीसी, दलित, आदिवासी टैक्स कह देना चाहिए। ये लो, आप लोग टैक्स दे रहे हो, आपका पैसा जा रहा है सरकार में, सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल रही है, और अदानी जी को पब्लिक सेक्टर बैंक लोन दे रही है। यहां पे कोई ओबीसी है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है जिसको बैंक ने बैंक लोन दिया? नहीं मिल सकता। अगर आपका नाम अदानी होता, लाखों करोड़ रुपए आपके हवाले हो जाते। तो बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है, आप में नफरत फैला देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे,
और फिर आप जीएसटी में पैसा डालोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है डायरेक्ट। तो दो सरकारें चल सकती हैं, एक सरकार जो किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की रक्षा करती है, और दूसरी सरकार जो अरबपतियों की रक्षा करती है। किसानों को आपने पैसा दिया, मजदूरों को आपने पैसा दिया, वो गांव में उसको खर्च करेगा, शहर में उसको खर्च करेगा, छोटे दुकानदार को फायदा होगा। आपने अदानी जी को पैसा दिया, अमेरिका में खर्च करेगा। किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को आपने पैसा दिया, यहां थोड़ी खर्च करेगा, वो जाके दुबई में खरीदेगा माल, बड़ा बड़ा सा घर खरीदेगा, आपका पैसा यहां से दुबई पहुंच जाएगा।